नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं शिवनगर टाइम्स। दोस्तों, आज चिड़ावा शहर में चिड़ावा पुलिस ने कैफे पर कार्रवाई करते हुए काफ़ी लोगों को दस्तैब किया है। और मेन जो रीज़न है कैफे पर कार्रवाई करने का, वो चिड़ावा पुलिस का ये है कि चिड़ावा में जो कैफे चल रहे हैं, 10 से 11 की संख्या में है, शायद हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, उन सभी में अवैध रूप से कैबिन बनाए हुए हैं। पुलिस का ये मानना है कि ये कैबिन जो है वे अवैध है और इन्हें अब हटाया जाएगा। कुछ दिनों पहले चिड़ावा पुलिस ने सुझाव भी मांगे थे सीएलजी सदस्यों से और ग्राम रक्षकों से, तो वहाँ पर भी सुझाव मिले थे। युवाओं ने सुझाव दिए थे, आमंत्रित किए थे जो चिड़ावा पुलिस द्वारा, तो वहाँ पर युवाओं ने सुझाव रखे थे कि कैफे जो चिड़ावा में संचालित है उनके अंदर कैबिन बनाए रखे हैं, तो उन कैबिनों को हटाया जाए। तो अब जो है, उस वक्त चिड़ावा DYSP शिवरतन गोदारा ने एक हफ्ते का लगभग समय दिया था और अब जो है आज से कार्रवाई शुरू होनी हो चुकी है। 24 घंटे का कैफे संचालकों को समय दिया गया, 24 घंटे के अंदर ये सभी कैबिन जो बने हुए हैं जिस कैफे में, उन कैबिन को हटाया जाए वरना आपका कैफे सीज किया जाएगा। अब आगे देखिए कि चिड़ावा सचिव क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर। पुलिस थाना चिड़ावा क्षेत्र के अंदर अवैध रूप से काफ़ी बार चल रहे हैं, जिन पर कार्रवाई करते हुए कैफे के अंदर कैफे संचालकों ने अपने कैफे के अंदर केबिन बना रखे हैं जो गलत है और विधि विरुद्ध है। उन पर कार्रवाई करते हुए आज वहाँ पर बैठे हुए लड़कों को दस्तयाब किया गया है और उन जो लड़कियां थीं उनके परिजनों को फ़ोन करके सूचना दी गई और उनको वहां से भेजा गया है। चिड़ावा क्षेत्र के अंदर जितने भी कॉफ़ी बार हैं उन पर सभी को आज हिदायत दी गई है और 24 घंटे का समय दिया गया है। 24 घंटे के अंदर अगर मान लो कॉफ़ी बार में जो केबिन लगे हुए हैं वो नहीं हटाते तो इनको विधिसम्मत तरीके से कैफे बारों को सीज किया जाएगा। सर, कुछ दिनों पहले जो मीटिंग की गई थी कृष्णा गेट रिफॉर्म हाउस में, तो वहाँ पर भी सुझाव आए थे केबिन जो है उनको हटाया जाए, तो अब क्या ये कार्रवाई जो है निरंतर जारी रहेगी? जब तक कैफे बारों के अंदर कैफे में बने केबिन नहीं हटेंगे तब तक ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।